आया संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत आज हम पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप सब जान रहे हैं ये पाठ षष्ठ सुभाषतानी और ये पद्य। सुभाषतानी सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छी प्रकार से कहा गया, अच्छी प्रकार से कहना। थोड़ा सा पाठ का कच्चर प्रस्तुवायम पाठ विविध ग्रंथात संतीताना दश सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशितुं अर्थगर्भीयुक्ता पद्मयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितमिति कथ्यते। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्वं क्रोधस्य दुष्प्रभावः सामाजिक महत्वं सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता बुद्धे वैशिष्ट्यम् इत्यादि विषयान् प्रकाशः। जो ये पाठ है इसमें विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषित संग्रह इसमें है और संस्कृत में सर्वाधिक शक्ति को प्रकाशित करने के लिए अर्थ की गंभीरता से जो युक्त ये जो पद्य है प्रेरणादायी है। और इसमें यह बताया गया है कि परिश्रम का महत्व, क्रोध का क्या दुष्परिणाम होता है, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं की जो उपादेयता है यानी जो उपयोगिता है, बुद्धि की जो विशेषता है इत्यादि विषयों में को ये प्रकट करता है। चलिए तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें दिया है आलस्य ही मनुष्याणां, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्युद्य युद्धम सहो बंधु कृत्वा यम नाव सी गति नास्युद्य युद्धम सहो बंधु कृत्वा यम नाव सी नाव सी गति। अनुवाद समझिए ही आलस्य मनुष्याणां शरीरस्था महान शत्रु। आपको शब्दों से समझ में आ रहा होगा उद्यम समह बंधु नास्ति यत्त्वा मनुष्य न अवसीदति। थोड़ा शब्दार्थ समझते हैं ही निश्चय ही निश्चय शरीरस्थ शरीर में स्थित या शरीर स्थित उद्यम समा परिश्रम के समान परिश्रमेण समान बंधुमन मित्र अवसीदति दुखी होता है दुखा अनुभवी। इसका थोड़ा भावार समझिए ही आलस्य मनुष्याणां शरीरस्थ महान शत्रु। मनुष्य जो ही माने जैसे हमने बताया निश्चय तो निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा क्या है शत्रु है। सबसे बड़ा क्या है शत्रु है क्या आलस्य। निश्चय ही आलस्य मनुष्य में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और क्या है उद्यम समह बंधु नास्ति परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। देखिए यदि आप परिश्रम करेंगे तो उसका जो परिणाम है आपको अच्छा मिलेगा उससे आपको सुख मिलेगा दुख नहीं मिलेगा। तो परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है और आलस्य के समान कोई शत्रु नहीं है। तो परिश्रम करके व्यक्ति जब परिश्रम करता है उसके समान कोई मित्र नहीं है और जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति ना वेत्ति निर्बलः पिको बसंतस्य गुणम न वायसः करिचा सिंहस्य बलम न मुष्टः। अनुवाद समझिए
बलि बलम वेत्ति निर्बला बलम ना वेत्ति वसंतस्य गुणं पिता वेत्ति बाय सहना वेत्ति सिंहस्य च बलम करी वेत्ति मूषका ना। शब्दार्थ समझिए, वेत्ति जानता है या जानाती, पिता कोयल या कोकिला, बायसा कौवा या काका, करी हाथी या गजा, मुष्का चूहा या खकनका, खनका चूहे को क्या है, मुष्का या चूहा मुष्क बोलते हैं, और या इसको खनका। भवार समझिए, गुणी गुणा वेत्ति निर्गुणा ना वेत्ति बलि बलम वेत्ति, गुणवान ही गुणी गुणम वेत्ति, गुणवान ही वेत्ति का अर्थ मैंने यहाँ पर बताया आपको, जानता है, ठीक है। तो गुणी गुणम वेत्ति जो गुणवान होता है वही गुणों को जानता है, ठीक है, गुणवान ही गुणों को जानता है, गुणवान ही गुणों को जानता है। गुणम ना वेत्ति और गुणहीन नहीं, जो गुणहीन है वो नहीं जानता, लेकिन गुणवान गुणों को जानता है, गुणहीन नहीं। बलवान ही बल को जानता है, बलवान ही बल को जानता है, अर्थात पहचानता है, बलहीन नहीं, जिसके पास बल नहीं वो क्या समझे। बसंत के गुणों को क्या कौन जानती, कोयल ही जानती पहचानती है, कौवा नहीं। शेर की ताकत को हाथी भी जानता है, चूहा नहीं। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि योग व्यक्ति ही योग्यता की पहचान कर सकता है, अयोग्य नहीं। जो योग होता है वह ही योग व्यक्ति की पहचान कर सकता है, अयोग्य नहीं। इस प्रकार से जो जिसका गुण है तो वह गुणी व्यक्ति, जो गुणवान होता है वही दूसरे के गुणों को समझ सकता है, गुणहीन व्यक्ति जिसके पास खुद गुण ना हो वो दूसरे के गुणों को समझ ही नहीं सकता। इसी प्रकार कहा गया है कि योग्य व्यक्ति ही योग्यता की पहचान करते हैं, अयोग्य व्यक्ति नहीं। चलिए तीसरा है, निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं सा तस्य पगमे प्रसीदति। अकारण देशी मनस्तु यस्व कथम जनस्तम परितोषिष्यति परितोषिष्यति। अन्वय समझिए, यह निमित्तम दिश प्रकुप्यति सह तस्य निमित्तस्य आपवमे ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारण देशी अस्ति जनः तं कथं परितोषिष्यति। शब्दार्थ, यह जो निमित्तम कारण या कारण प्रकुप्यति अत्यधिक क्रोध करता है, अति कोपम करोति, आप गमे समाप्त होने पर यह समाप्ति ध्रुवम निश्चित रूप से निश्चितम प्रसीदति प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न भवति अकारण द्वेषी अकारण ही द्वेष करने वाला, अकारणम द्वेषम करोति इति अकारण द्वेषी परितोषिष्यति संतुष्ट करेगा परितोषम दास्यति। अब इसको का जो भावार्थ इसको थोड़ा समझिए, निमित्त विदेश ही यह प्रसिद्ध, जो किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, जो किसी कारण से क्या करता है, क्रोध करता है, प्रकुप्यति यानी अत्यधिक क्रोध, वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को क्रोध आया, ठीक है, लेकिन उस क्रोध के आने के बाद यदि वो जो चाह रहा वो काम यदि हो जाता है तो उसका जो क्रोध है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और वो प्रसन्न हो जाता है, ठीक। ये हुआ एक एक प्रकार का हुआ कि क्रोध आया, काम हुआ तो मन प्रसन्न हो गया। परंतु यहाँ पर वो क्या कर, परंतु जिसका मन स्वभाव कारण ही द्वेष करने वाला होता है, वह मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट, मनुष्य उसको कैसे संतुष्ट करे, लेकिन जिसकी कारण ही द्वेष करने वाला, मतलब
कोई कारण ही होता, वो जबरदस्ती ही क्रोध करता रहता है तो मनुष्य उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। अब यहां पर उदीरित और था पशुनापी ग्रह से हयाश नागाश उदीरतो उदीरतो अर्थ पशुनापी ग्रहते उदीरितो अर्थ पशुनापी ग्रहते आहायाश नागाश वहन्ति बोधिता अनुक्त मप्युहति पंडितो जनः परेंग ज्ञान फला ही बुद्धिर अनवय पशुनापी उदीरता अर्थ ग्रहते हया नाग च बोधिता भारम वहति पंडिता जना अनुक्तम अपि बहुति बुद्ध्या परेंग ज्ञान फला भवन्ति। शब्दार्थ समझिए, उदीरिता यानी कही हुई, उक्तम या कथित, ग्रहते समझ लिया गया या प्राप्त किया जाता है, प्राप्यते हया घोड़े अश्व है ना, नागा हाथी, हस्तिना या गजा, बोधिता समझाने पर बोधम कारिता वहन्ति धोते हैं, वहनम कुर्वन्ति पंडिता बुद्धिमान विद्वान या बुद्धिमान, अनुक्तम बिना कहे ना उक्तम उहति अंदाजा लगा लेते हैं, निर्धारयति पर इंगित ज्ञान फल दूसरों के संकेत जन्य ज्ञानोपि फल देने वाली परम इंगितम ज्ञानम पर इंगित ज्ञान में फलम यस्य भावार्थ समझिए, पशुओं के द्वारा भी कही हुई बात का अर्थ समझ लिया जाता है, जो पशु हैं पशुओं के द्वारा भी कही हुई बात का अर्थ समझ जाता है और घोड़े और हाथी भी समझाने पर भार ढो लेते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वह बिना कहे अंदाजा लगा लेते हैं, निश्चित ही बुद्धि दूसरों के संकेत जन ज्ञान रूपी फल को देने वाली होती है, जो बुद्धि होती है वो संकेत है, जो संकेत व्यक्ति देता है वो ज्ञान रूपी फल को देने वाली होती है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देहिस्ततो देह विनाशाय विनाश नाय यथास्थित काश्यगतो ही वहिन सा एव वहिन दहते शरीरम नराणाम देह विनाशा विनाश नाय प्रथमः शत्रु देहस्थित क्रोध अस्ति यथा काश्यगता ही वही काष्ठ दहते काष्ठम दहते यथा शरीर स्थित सा एव वहिन संदे शरीरम दहते। शब्दार्थ समझिए, देह विनाशाय में शरीर को नष्ट करने के लिए शरीर नाशा देह स्थित शरीर के अंदर शरीर स्थित वैग्न यानी आग अग्नि दहत यानी जलाती है ज्वाल यदि काष्ठगत लकड़ी के अंदर विद्वान यानी काष्ठ से गर्म भगवान मनुष्यों के शरीर को नष्ट करने के लिए सबसे पहला जो शत्रु होता है शरीर के अंदर स्थित क्रोध है। मनुष्यों के शरीर को नष्ट करने के लिए सबसे जो होता है ना शत्रु, तो वो शत्रु कौन सा होता है यानी क्रोध, यदि आपके अंदर क्रोध है तो आपके शरीर को नष्ट करने नष्ट कर देगा, जिस प्रकार कैसे जिस प्रकार लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही क्या कर देती है जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित वह क्रोध अग्नि शरीर को क्या कर देती है जला देती है। मृगा मृगई संग मनुज व्रजंती गवाश गोभी तुर्गाश तुरंगई मूर्खाश मूर्खई सुधीर सुधीभिः समान शील व्यसननेषु सख्यम् अनवा मृगा मृगई सह गवाश गोभी सह तुर्गा तुरंगई सह मूर्खा मूर्खई सह सुधिया सुधीभिः सह अनुव्रजंती समानशील व्यसनेषु सत्यं भवति। बहुत अच्छा है, देखिए समझिए, मृगा यानी हरण यानी हरिणा, गाव यानी गाय भेड़वा, तुर्गा यानी घोड़े अश्व, सुधा यानी विद्वान मनीषी विद्वान सह अनुव्रजन्ति अनुसरण करते हैं पीछे पीछे जाते हैं, पश्चात गच्छन्ति शीलम सुभाव स्वभाव व्यसनेषु आदत आदतों में यानी व्यवहार में सख्यम मित्रता यानी मैत्री हर
और जो मूर्ख है मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वान विद्वानों के साथ अनुसरण है, पीछे पीछे चलते हैं और उनका एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। एक समान स्वभाव और आदत वालों में मित्रता होती है, जो समान होते हैं उनमें क्या होती है, मित्रता होती है। सेवी कव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। अनुवाद, फल छाया समन्विता महावृक्ष सेवितव्य देवात् यदि फलम नास्ति वृक्षस छाया के निवार्यते। शब्दार्थ समझ, समन्विता युक्त युक्त, सेवितव्य आश्रय लेने योग्य यानी आश्रय आश्रयितव्य, देवात् भाग्य से यह भाग्या निवार्यते रोकी जा सकती है, निवारणम क्रियते। भावार्थ समझ, सेवितव्यो महावृक्ष फल और छाया से युक्त बड़ा वृक्ष आश्रय लेने योग्य होता है, यदि भाग्य से उस पर फल नहीं भी हो तो भी तो वृक्ष की छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। वृक्ष तो क्या दे रहा, भले वो फल दे रहा नहीं दे रहा लेकिन वह क्या दे रहा, छाया दे रहा। अर्थात गुणवानों की संगति में रहने से सदैव उपकार होता है चाहे उनके पास धन हो या ना। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक बताया गया है कि भले ही आपके पास धन ना हो लेकिन गुण हो, तो उन्होंने क्या कहा कि गुणवानों की संगति में रहने से सदैव उपकार होता है चाहे उनके पास धन हो या धन ना हो। इस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको सुभाषतानी के जो पद्य हैं उनको पढ़ाया समझाया, आप लोग कॉपी में लिखेंगे याद करेंगे। धन्यवाद।